हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं डू नॉट डिस्टर्ब के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है साउंड एंड वाइब्रेट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, डू नॉट डिस्टर्ब पे जाना है और आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर लीजिए। मेरा पहले से ही ऑन है और आप इसे ऑन क्यों करते हैं इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप ऑफिस वगैरह में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं और आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन आपको डिस्टर्ब ना करे, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपके फ़ोन में रिंगटोन भी आएगी, नोटिफिकेशन भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन आपको साउंड नहीं सुनाई देगी। ये आपको डू नॉट डिस्टर्ब पे हो जाएगा, तो आपको आपका फ़ोन आपको डू नॉट मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पर सर्च में शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। और इसमें और भी सेटिंग है, इसके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फ़ोन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।